तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम पढ़ चुके हैं कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और हमारा क्वेश्चन भी कुछ इसी फॉर्म में दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहां आप देख सकते हो कि x की जगह हमें 5x दिया है, हमें चाहिए केवल x। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास x नहीं है, x की जगह 5x है। तो हम क्या करेंगे, हम 5x को t के इक्वल अज्यूम करेंगे, जिससे dt हो जाएगा 5 इंटू dx, एंड dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 5। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन में 5x की जगह t पुट करेंगे एंड dx की जगह dt अपॉन 5 पुट करेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई है, जिसमें हमारा फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म में है। यहां फर्क इतना है कि x की जगह t है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाई 5 इंटू साइन इनवर्स टी बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। लेकिन अब यह प्रॉब्लम यह है कि जो t है वह एक डमी वेरिएबल है, जिसकी ओरिजिनली वैल्यू है 5x। तो हम यहां से t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर आएगा 1 बाई 5 इंटू साइन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c।